परेशान कर रही और चाहिए तो देते हैं ना, रुक तो जाओ। छोटी छोटी गिलास भी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होगे, बढ़िया होगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये बना रहे हैं रसना ऑरेंज वाला, और मेरी लाडू पीक के बता रही कैसा है लाडू। अच्छा। हाँ, बता रही है अच्छा है। तो ये देखिए हम इसको भून रहे हैं अभी, और इसमें हम अभी बर्फ डालेंगे, फिर सबको देंगे। तो आप लोग भी पी लीजिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस बार। और कहाँ कहाँ गर्मी ज़्यादा है और कहाँ कहाँ से आप लोगों को हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। क्या कर रहे हो उसको आप? ऐसे नहीं फोड़ना है। तो देखिए आइस है, बर्फ, इसको फोड़ के फिर रसना में मिलाएंगे, अभी डालेंगे और फिर सबको देंगे। मत करो, ये देखिए ये लोग परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्फ खाते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा हम भी खाते हैं। हाँ, ये देखिए बहुत ज्यादा बर्फ खाती है ये। चेतावनी बच्चा है, कैचेस मत करो ना उसको, हम ऐसे घोर के फिर निकाल लेंगे। अरे दे रहे हैं, देखो पी चुकी है, फिर से मांग रही है, परेशान कर रही है। और चाहिए तो देते हैं ना, रुक तो जाओ। छोटी छोटी गिलास भी चाहिए। रुक जाओ, लाओ हम आपको देते हैं। हाँ, तो ये छोटी छोटी गिलास में दे रहे हैं ना आप लोगों को, क्या है बच्चे पीने के बाद भी नहीं मानते हैं लोग। ये दादी को दिया, दादाजी है ना, दादाजी कहाँ गए? चले गए हैं। तो दादी को दिया, इसमें हम जमाएंगे अभी। दिया ना दादी को, और दे, और डाल दे, दिखा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ऑरेंज का रसना बन चुका था और सभी लोग पी चुके थे, और उसको जो बचा हुआ था तो हमने फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पे देखिए, हम मम्मी जी ने बोला कि हमें आटा का चीला खाना है, तो फिर देखिए हम चीला बनाने के लिए बैठ गए थे आटा का। उसका घोल बनाने के लिए हमने प्याज, उसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची डालकर घोल बनाया है, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों का क्या होता है, चीला ख़राब हो जाता है, तवे में चिपक जाता है, तो उससे तवे में चिपके ना, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा बेसन डाल लीजिए आटे में, तो क्या होता है उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और चीला तवे में चिपकता भी नहीं है और परफेक्ट बनता है। तो देखिए हम बना रहे हैं चीला, तो आपको हम चीला बनाकर दिखाते हैं, तो देखिएगा कि परफेक्ट चीला बनता है बेसन डालने से। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको दोनों तरफ से सेकेंगे, ये देखिए ना ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा पतला है, और घोल भी ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। ये देखिए परफेक्ट चीला बन जाता है इससे। तो बताइएगा आप लोग चीला खाते हो? तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में बताना कि चीला को आप लोग क्या क्या बोलते हो। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तो आप सभी को बाय बाय।